MOT डायग्राम विद SP मिक्सिंग। सेकंड क्या डालोगे? MOT डायग्राम विद SP मिक्सिंग। अब इस केस में दो चीजें राइज हो जाती हैं। कैसे दो चीजें राइज? ये देखो, हम मान के चल रहे हैं कि हमारा ये क्या हो गया 2s और ये क्या हो गया 2s। इसके लिए ये बनी बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग और ये बनी बॉन्डिंग। ये क्या हो गई? सिग्मा स्टार। और ये क्या हो गई? सिग्मा 2s। चलो 2s भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या हो गई हमारी? 2p। और ये भी क्या हो गई हमारी? 2p। ठीक है, अगर हमारी कोई sp मिक्सिंग नहीं होती तो हमारा नॉर्मल डायग्राम ये बनता है, इस तरीके का बनता है कि नहीं बनता? ये डायग्राम हमारा बनता है। अब हमारे पास sp मिक्सिंग दिखाने के दो तरीके हैं। sp मिक्सिंग दिखाने के क्या है? दो तरीके हैं। 2px इक्वल टू पाई 2py, ये लिख लेना यार, वरना तुम बोलोगे कि सर छोड़ रहे। पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। अब देखो, हमारे पास मिक्सिंग दिखाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इस p ऑर्बिटल को और इस s ऑर्बिटल को मैं पहले ही मिक्स कर दूं। पहले क्या कर दूं? इनिशियली मिक्स कर दूं। जब इनिशियली मिक्स कर दूंगा, इनके मिक्स करने से मोल एटॉमिक ऑर्बिटल, मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। क्या बनेंगे? मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। और उन एटॉमिक ऑर्बिटल को फिर मैं इधर से भी मिक्सिंग करूंगा, इन एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे इधर भी, मिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर इन एटॉमिक ऑर्बिटल को और इन एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन कर दूं तो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाएगा। तो इसमें भी क्या हो रही है? एसपी मिक्सिंग हो रही है। इसको हम बोलते हैं प्री एसपी मिक्सिंग। इसको क्या बोलते हैं हम? प्री एसपी मिक्सिंग। पहला तरीका तो ये है कि एसपी मिक्सिंग इस तरीके से दिखा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है एसपी मिक्सिंग का कि अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की आपस में मिक्सिंग कर दूं, बात दोनों से सेम रहेगी। तुम प्री करके देख लो और पोस्ट करके देख लो। पोस्ट मतलब कि जो हम बाद में करते हैं, कि इन्होंने इनिशियली क्या की? मिक्सिंग कर ली। मिक्सिंग करने के बाद इनका डायग्राम ये आया, ठीक है। अब डायग्राम में अगर मैं बाद में मिक्सिंग करता हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के बाद, कैसे? कि अगर इसमें क्या होगा, 2pz हमारी इसके साथ कंबाइन होती है। किसके साथ? इसके साथ कंबाइन होती है। अभी सुनते रहना, घबराना मत कि सर, अभी सुन लो बात, बस चुपचाप बैठ के। इसके साथ कंबाइन होती है और कंबाइन होने के बाद जो हमारी नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होती है उसको भी हम बोलते हैं एसपी मिक्सिंग। तो जो हमारी इनिशियल होती है, मतलब कंबाइन होने से पहले जो एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है उसको हम बोलते हैं प्री मिक्सिंग। और एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो गई पहले ही, अगर दो टाइप की मिक्सिंग होती है, देखो कंफ्यूज मत होना, दो टाइप की मिक्सिंग। पहले मिक्सिंग तो यह है कि हम पहले इन दोनों को मिक्स करके तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना ले। दूसरा तरीका यह है कि पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के उनको बाद में मिक्स कर ले, समझे? तो दूसरा तरीका यह है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, जो इस टाइप की मिक्सिंग होती है सिग्मा 2pz और इसका सिग्मा 2s के साथ अगर कंबाइन हो जाए, इसको हम बोलते हैं पोस्ट मिक्सिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट मिक्सिंग। चीजें दोनों से सेम एक्सप्लेन होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन होता क्या है, अपनी सहूलियत के लिए कुछ मॉलिक्यूल के लिए हम पोस्ट मिक्सिंग का यूज करते हैं और कुछ मॉलिक्यूल के लिए हम प्री मिक्सिंग का यूज करते हैं। जैसे मैं तुम्हें बता दूं कि जितने भी हमारे होमो एटम होते हैं, A2 टाइप एटम होते हैं, उनके लिए हम पोस्ट मिक्सिंग का यूज करते हैं, क्योंकि जब हम पोस्ट मिक्सिंग का यूज करेंगे तो हमारा डायग्राम बेटर बनेगा। लेकिन जो हमारे हेट्रो एटम होते हैं, जो हमारे हेट्रो एटम होते हैं, जैसे AB टाइप एटम होते हैं, उनके लिए हम प्री मिक्सिंग का यूज करते हैं। किसका? प्री मिक्सिंग का यूज करते हैं, बात समझे? और तीसरा, जो हमारे पॉली एटॉमिक होते हैं, जो हमारे पॉली एटॉमिक होते हैं,
ए बी थ्री टाइप या ए बी टू टाइप, ए बी टू या ए बी थ्री टाइप, जितने भी होते हैं मैक्सिमम, उनमें हम एसपी मिक्सिंग को इग्नोर करके चलते हैं, एसपी मिक्सिंग को इग्नोर करते हैं। होती तो उनमें भी है लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर क्यों कर देते हैं? जिससे हमारा डायग्राम अच्छा बन सके और हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सके। अगर हम पॉलीएटॉमिक में भी मिक्सिंग को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो हमारा डायग्राम बनना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ से दो ही चीज़ें बताई कि प्री मिक्सिंग और पोस्ट मिक्सिंग का कंसेप्ट होता है। पोस्ट मिक्सिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की आपस में मिक्सिंग होती है, प्री मिक्सिंग हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल की आपस में मिक्सिंग होती है। तो हम जब मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, अगर ए टू एटम का डायग्राम बना रहे हैं होमो एटॉमिक का, तो हम उसमें पोस्ट मिक्सिंग का यूज़ करते हैं, और जब हम हेटरो एटम का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम प्री मिक्सिंग का यूज़ करते हैं। और पॉली एटॉमिक में मिक्सिंग तो होती है एसपी मिक्सिंग, लेकिन उस एसपी मिक्सिंग को हम अपनी सहूलियत के लिए इग्नोर करके चलते हैं। बताओ यहां तक बात क्लियर है? अब मैं बताने वाला हूं होमो एटम पढ़ रहे हैं तो होमो एटम में जो पोस्ट मिक्सिंग होगी, वो पोस्ट मिक्सिंग होने के बाद हमारा जो नया डायग्राम बनता है वो किस टाइप का बन के आता है। चलिए देखिए, किस टाइप का डायग्राम बन के आता है। हमारा जो सिंपल सा डायग्राम होता है, ये हमारी क्या हो गई 2s, और ये भी हमारी क्या हो गई 2s। इसका डायग्राम बनेगा इस तरीके से, इसका डायग्राम बनेगा इससे, सिग्मा सिग्मा स्टार। इधर जो p का डायग्राम बनता है वो ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे P, ठीक है, ये P ऑर्बिटल है। ये क्या हो गई सिग्मा 2PZ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई 2PX इक्वल टू पाई 2PY। यहाँ पे सिग्मा स्टार 2PZ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई स्टार 2P, ठीक है, कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब होता क्या है, ये क्या है विदाउट SP मिक्सिंग का डायग्राम है, विदाउट SP मिक्सिंग का डायग्राम, ठीक है। अब होगा क्या कि जब हम पोस्ट मिक्सिंग दिखाएंगे, पोस्ट मिक्सिंग दिखाने के बाद हमारा क्या होता है कि जो ये ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है, ये सिग्मा 2PZ, ये सिग्मा 2PZ कंबाइन कर जाती है सिग्मा से, क्या कर जाती है, इस सिग्मा से कंबाइन कर जाती है, और कंबाइन करने की वजह से जो हमारा डायग्राम बन के आता है दूसरा डायग्राम बन के आता है। तो जो हमारा डायग्राम बन के आता है, ध्यान सुनना, हमारा जो डायग्राम बन के आता है वो डायग्राम कुछ इस तरीके का आता है। होगा क्या कि जो ये 2sp मिक्सिंग है ये और थोड़ी नीचे चली जाएगी, ये क्या हो जाएगी 2s, 2s, ये क्या हो गई सिग्मा, और ये क्या हो गई सिग्मा स्टार 2p, 2p, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ये क्या हो गया सिग्मा 2pz, दिख रहा होगा तुम्हें ऊपर, ये देखो इस तरीके का दिख रहा है, बिल्कुल सही, बहुत बनाने पड़ते हैं यार। पाई स्टार 2p, बस 2p लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, कुछ समझ जाना तुम, और ये सिग्मा स्टार 2pz, देखो ध्यान से। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चीजें। होता क्या है कि जब हम SP मिक्सिंग दिखाते हैं पोस्ट, इसको क्या बोलते हैं पोस्ट मिक्सिंग, सिग्मा 2PZ सिग्मा के साथ कंबाइन कर जाता है, और कंबाइन करने के बाद हमारी जो इसकी एनर्जी है 2PZ की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जब इंक्रीज हो जाती है ये ऊपर कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और जो सिग्मा की एनर्जी है 1s की, उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि सर हमने इस सिग्मा स्टार को छोड़ के इस सिग्मा के साथ क्यों मिक्सिंग की, जब हमारे पास इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम है और इसके बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो हमने इसकी मिक्सिंग इसके साथ क्यों की, इसके साथ क्यों नहीं की।
दूसरा क्वेश्चन कि सर जब मिक्सिंग हो गई, मिक्सिंग होने से इसकी एनर्जी डिक्रीज कैसे हो गई और मिक्सिंग होने से इसकी एनर्जी इंक्रीज कैसे हो गई। तो सुनो, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर कि मिक्सिंग सिग्मा 2p z के साथ क्यों हुई है। सिग्मा मिक्सिंग किसके बीच में हुई है, मिक्सिंग हुई है सिग्मा 2p z प्लस सिग्मा 2s के साथ हुई है। तो ये दोनों मिक्सिंग हुई है, इन दोनों की मिक्सिंग क्यों हुई है, क्योंकि हमेशा मिक्सिंग के लिए याद रखना सेम सिमेट्री की ऑर्बिटल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम सिमेट्री की ऑर्बिटल होनी चाहिए, तभी तुम्हारी मिक्सिंग हो पाएगी। मतलब तुमने अगर ध्यान दिया हो तो जो हमारी सिग्मा होती है ये जिराड होती है, सिग्मा स्टार अनजिराड होती है, सिग्मा 2pz जिराड होती है और पाई अनजिराड होती है। तो हमेशा जब मिक्सिंग करोगे तो जिराड से जिराड की मिक्सिंग होती है, अनजिराड से अनजिराड की मिक्सिंग होती है, यही दोनों फिजिबल है। अगर तुम जिराड से अनजिराड की मिक्सिंग कर दोगे तो तुम्हारी मिक्सिंग कभी भी नहीं हो पाएगी। तो इसी रीजन की वजह से, क्योंकि इस सिग्मा 2pz की सिमेट्री इस सिग्मा 2s से मैच करती है बॉन्डिंग से, तो इन दोनों में मिक्सिंग हो जाती है। इसमें मिक्सिंग क्यों नहीं, समझ गए, क्योंकि इसकी सिमेट्री मैच करती है और मिक्सिंग होने के लिए सिमेट्री सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। अब मिक्सिंग हो गई, पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मिक्सिंग होने से मिक्सिंग इन्हीं के बीच में हुई। सेकंड क्वेश्चन ये कि सर मिक्सिंग होने से एनर्जी इंक्रीज कैसे हुई। एक्चुअल में ये देखो, इस pz की एनर्जी यहां पे है, इसको रफ कर रहा हूं मैं बीच वाले पोर्शन को, इसको लिख लेना ठीक है, क्योंकि मुझे यहीं पे एक्सप्लेन करना है सारा। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जब तुम्हारे डिफरेंट एनर्जी की मिक्सिंग होती है, डिफरेंट जैसे सपोज करो एक की एनर्जी ये है, एक की एनर्जी है, अगर इन दोनों की मिक्सिंग होगी तो ये नीचे चली जाएगी और ये इतना ही ऊपर चली जाएगी। बोलो, बताया था कि नहीं बताया था। तो यहाँ पे वही तो केस आ चुका है, इसकी एनर्जी लो है और इसकी एनर्जी हाई है। जब इन दोनों की आपस में मिक्सिंग होगी तो मिक्सिंग होने की वजह से इसकी एनर्जी और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, जो कि हो गई है, देख लो हो गई है कि ये देखो, ये यहाँ पे बनाया, वो वहाँ पे बनाया मैंने, तो चूंकि इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इस सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें एंटीबॉन्डिंग करेक्टर आ गए। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, मिक्सिंग होने से एनर्जी डिक्रीज और इंक्रीज होती है, तो जब मिक्सिंग करोगे तो ऊपर वाली जो एनर्जी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और जिसकी एनर्जी लो थी वो और ज़्यादा लो हो जाएगी। या मैं तुम्हें सिंपल सी भाषा में कहूँ कि जब कभी भी मिक्सिंग हो, अगर कोई लो एनर्जी की ऑर्बिटल है तो उसकी एनर्जी और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, और कोई अगर हाई एनर्जी की ऑर्बिटल है तो उसकी एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यही कहानी चलती है। तो उसी रीजन की वजह से जो सिग्मा है इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और सिग्मा 2pz की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होके वो कहाँ चली जाएगी, इससे पाई से ऊपर चली जाती है। बाकी एंटी बॉन्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटी बॉन्डिंग क्या है, दोनों की सेम है, फर्क कहाँ पड़ रहा है, बस इस रीजन में फर्क पड़ रहा है, इस रीजन में। ऊपर क्या आ गया है, यहाँ पे सिग्मा 2pz, यहाँ पे ऊपर क्या है, पाई 2py। तो जो ये डायग्राम है, ये वाला डायग्राम जो तुम्हारा फॉलो होगा, वो B2 मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल और N2 मॉलिक्यूल, इनके लिए ये डायग्राम फॉलो होगा। और जो ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम O2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल एंड E2 मॉलिक्यूल, इनके लिए फॉलो होगा। तो ये जो डायग्राम है ये तुम किस में यूज करोगे, विदाउट एसपी मिक्सिंग में। और जो ये डायग्राम है ये कब यूज करोगे तुम, विद एसपी मिक्सिंग में। तो तुम अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो कहां चेंज आ रहा है, सिर्फ यहां पे चेंज आ रहा है, बाकी सारी सब कुछ सेम ही है। ये विदाउट एसपी मिक्सिंग, ये विद एसपी मिक्सिंग। तो सारी कहानी क्लियर हुई तुम्हें, ये लो साइड हो गया मैं, सारी कहानी क्लियर हुई। अब तक तो यही लग रहा था ना, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, 12वीं से रट्टे मार के आ रहे हो, बीएससी भी हो गया, एमएससी भी हो गया, लेकिन कब तक तुम रट्टे मारोगे, कभी ना कभी तो चीज़ें समझनी ही पड़ेगी। तो ये कहानी होती है पूरी। तो बस अगर मैं तुम्हें सिंपल सा बोलने लगूं तो पी ऑर्बिटल में ही चेंज आ रहा है। अब चलो फटाफट मुझे बी2 मॉलिक्यूल का डायग्राम बना के दिखा दो।
बस अब तो सब कुछ तैयार है, तुम्हारे प्रात दे दिया है तुम्हें थाली में डाल के। तो अब तुम्हें क्या बनाना है, बी टू मोलिक्यूल का डायग्राम बनाना है। बताओ कैसे बनाओगे? बोलो कैसे बनाओगे? तो अब कुछ नहीं करना, बस बी टू मोलिक्यूल का डायग्राम बनाना है। बी टू मोलिक्यूल में क्या होगा बोलो, एसपी मिक्सिंग का केस है कि नहीं है? तो जब एसपी मिक्सिंग का केस है तो हमारा पी ऑर्बिटल कैसे आएगा बोलो? ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो हमारा पी ऑर्बिटल कैसे आएगा? इस तरीके से आएगा। ऊपर सेम ही रहेगा, ऊपर चेंज मत कर देना। लो ये डायग्राम हो गया। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। तो इसके इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। ये बोरोन एटम है, इधर ये बोरोन एटम है, और ये तुम्हारा B2 एटम है। बोलो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz, और ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, पाई स्टार लिख रहा हूँ, लंबा बहुत टाइम लग जाता है। बोलो क्लियर है? तो तुम्हारा ये आया नीचे का, इसका दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो दूसरे एटम के लिए भी क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। तो चार एटम बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में फिल हो गए, कट गया। चार एटम बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में फिल हो गए, कट गया। तो बस तुम्हारा बचेगा क्या, 2p1 2p1। ठीक है, चलिए। तो अब हमें यहां से क्या पता लगा, देखो ध्यान से सुनते रहना, हमें ये पता लगा कि हमारी जो एनर्जी स्टेट आई इस तरीके की आई। अगर मैं इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछने लगू कि व्हाट इज एस, तो एस इक्वल टू कितना आएगा, 2 × 1 + k1 इक्वल टू क्या आएगा, 3। तो जो ये स्टेट है ये कौन सी स्टेट है, ट्रिपलेट स्टेट है। क्या है, ट्रिपलेट स्टेट। तो दुनिया में जब कभी भी ट्रिपलेट स्टेट एग्जिस्ट करती है तो उसकी सिंगलेट स्टेट भी एग्जिस्ट करती है, करती है कि नहीं करती। तो अगर इसकी सिंगलेट स्टेट में बनाने लगूं तो सिंगलेट स्टेट किस तरीके की बनेगी, कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक में ही प्रेजेंट हो। तो इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2s + k1, और s क्या होता है, स्पिन। तो स्पिन कितना हो गया, प्लस के हाफ माइनस के हाफ, तो s इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो हमारा sm स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ गया, 1। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगलेट स्टेट बोलते हैं, बोलते हैं। अब मैं तुमसे पूछने लगूं कि इन दोनों में से, ट्रिपलेट में से और सिंगलेट में से कौन सी ज़्यादा स्टेबल होती है, तो हमारा पहला ही आंसर होता है कि जो स्टेबल फॉर्म होती है वो हमारी ट्रिपलेट होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि होमो क्या होगा और लूमो क्या होगा, तो इस केस में देखो, इस केस में क्या है, दो सोमो है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। तो इस ट्रिपलेट स्टेट में जो सोमो है वो दो सोमो है, क्या है, पाई 2p है कि नहीं है। लेकिन इस केस में क्या है, सिर्फ होमो है। तो इस केस में होमो क्या हो गया, तुम्हारा होमो हो गया पाई 2px, और तुम्हारा पाई 2px से कुछ भी मान लो। और इसमें लूमो क्या हो गया, तुम्हारा तुम्हारा लूमो भी क्या हो गया, पाई 2px ही या वाई। अगर एक x मान रहे हो तो एक को क्या मानना पड़ेगा, वाई मानना पड़ेगा। भाई देखो ये स्टेट बस यहाँ से निकाल के ऐसे रखी है, इनमें घबरा मत करो, बस इस फॉर्म को यहाँ से, इतने चीज़ को मैंने उठाया है और इस चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट किया है, तो यहाँ पे आ गया। तो इस सिंगलेट स्टेट में पाई 2py आ गया। अब देखो ध्यान से, मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि अगर मुझे बोरोन का लुइस एसिड करेक्टर रिप्रेजेंट करना हो, या मुझे कोई एक एटम निकालना हो या एटम देना हो, इसी एक एटम, तो उसमें मैं ट्रिपलेट स्टेट का फॉर्म का यूज करूंगा कि सिंगलेट स्टेट का फॉर्म यूज करूंगा। अगर मुझे लुइस एसिड या लुइस बेस करेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो बोरोन के, तो मैं किस फॉर्म को यूज करना हो ज्यादा प्रीफर करूंगा। तो देखो ध्यान से, ये क्लियर हुई तो मैं, इसमें लूमो क्या होगा, सिग्मा 2pz। ठीक है, ये तो अब मुझे बार बार बताने ना पड़े, बस लूमो क्या होगा, सिग्मा 2pz।
इसका लूमो क्या हो जाएगा सिग्मा टू पी जेड, और इसका लूमो क्या हो जाएगा पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई, में से कोई भी हो सकता है। ये जो ट्रिपलेट फॉर्म है ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। क्या है? पैरामैग्नेटिक है। और जो हमारी ट्रिपलेट फॉर्म आती है बनके, ओ सॉरी ये ट्रिपलेट फॉर्म है, जो सिंगलेट फॉर्म है ये क्या है हमारी, डायमैग्नेटिक है। क्लियर है? अब मैं देखो ध्यान से तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं मैं, इनको साथ के साथ बनाते चलो, इतना बड़ा बोर्ड नहीं है। अब मैं देखो ध्यान से तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे B2 से B2 पॉजिटिव बनाना हो, प्लस के एक इलेक्ट्रॉन यूज करना हो, और अगर मुझे B2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके B2 नेगेटिव बनाना हो, तो मुझे बताओ विच फॉर्म आई विल यूज, या विच फॉर्म वी विल यूज, विच फॉर्म ऑफ B2 मॉलिक्यूल वी विल यूज, बताओ सिंगलेट फॉर्म यूज करेंगे या फिर ट्रिपलेट फॉर्म यूज करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर टू, अगर मुझे बोरोन का लुइस एसिड और लुइस बेस करैक्टर दिखाना हो, लुइस एसिड और लुइस बेस करैक्टर दिखाना हो, तो इस केस में मैं कौन सी फॉर्म यूज करूंगा। मतलब अगर बोरोन से मुझे लिगेंड को देना हो और बोरोन से लिगेंड को लेना हो, इसके लिए मैं कौन सी फॉर्म यूज करूंगा, सिंगलेट या ट्रिपलेट, बोलो। क्वेश्चन सिंपल है, अगर मुझे B2 मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो मैं सिंगलेट फॉर्म यूज करूंगा कि ट्रिपलेट फॉर्म यूज करूंगा, कि मैं ट्रिपलेट फॉर्म यूज करूंगा कि सिंगलेट फॉर्म यूज करूंगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर मुझे लुइस एसिड दिखानी है B2 की, कि मैं कंप्लीट डोनेशन कर रहा हूं, लोन पे डोनेट कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं कौन सी फॉर्म यूज करूंगा, सिंगलेट या ट्रिपलेट। लगाओ आंसर, अरे कुछ तो लगाओ, कुछ तो सोचो, गलत ही दो चाहे सही दो, कुछ तो लगाओ। देखो ध्यान से, जब कभी तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करना हो, एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो या एक इलेक्ट्रॉन देना हो, तो उस केस में तुम हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करोगे, ट्रिपलेट फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। और जब कभी तुम्हें कंप्लीट लोन पेयर का डोनेशन दिखाना हो, या लुइस एसिड करैक्टर या लुइस बेस करैक्टर दिखाना हो, तो उस केस में तुम सिंगलेट फॉर्म का यूज करोगे। रीजन क्या है कि जब तुम एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करोगे तो ये पेयर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसमें अगर तुम्हें लुइस एसिड करैक्टर दिखाना है, तो लुइस एसिड करैक्टर दिखाने के लिए तुम्हें कंप्लीट डोनेशन करना पड़ेगा, तो ये क्या है कि लोन पेयर ही तो बैठा है पूरा का पूरा, तो इसका कंप्लीट डोनेशन कर दोगे। दूसरा, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन लेने हैं, लोन पेयर लेना है, तो तुम्हारे पास खाली तो पड़ी है पूरी की पूरी, तो पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन मुश्किल ही आए, इतना डीप से पूछेगा नहीं, कि कभी भी अगर बोरोन की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं बी टू मॉलिक्यूल की, सिंगलेट या ट्रिपलेट। तो जब तुम्हें लुइस एसिड और लुइस बेस करैक्टर दिखाने होंगे, तो हम बी टू मॉलिक्यूल की कौन सी यूज करेंगे, सिंगलेट फॉर्म यूज करेंगे। और जब कभी तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज दिखाना हो, एक्साइटेशन कराना हो या N2O कराना हो, लेना हो इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में क्या करोगे, ट्रिपलेट फॉर्म यूज करोगे। और थर्ड क्वेश्चन की, अगर तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या कुछ भी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना हो B2 मॉलिक्यूल की, तो तुम कौन सी फॉर्म यूज करोगे, बोलो कौन सी फॉर्म यूज करोगे। तो उसके लिए भी हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, ट्रिपलेट फॉर्म यूज करेंगे। कौन सी, ट्रिपलेट फॉर्म, बोलो। बात क्लियर है कि नहीं है, बोलो जल्दी। तभी तो तुम जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, तो पहले एक इसमें डालते हो, फिर इसमें डालते हो, फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन आता है, फिर इसमें डालते हो, फिर इसमें डालते हो, फिर इसके बाद ऊपर जाते हो। कभी तुम ऐसे थोड़े ना करते हो कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पहले इस डब्बे में भर दिए, फिर बाद में दो इलेक्ट्रॉन इस डब्बे में भर दिए, ना। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें, एक दो तीन चार, फिर पाँच छः, फिर ऊपर सात आठ नौ दस, फिर ऊपर ग्यारह बारह, खत्म। पी का काम खत्म, ध्यान रखना। तो इसीलिए हम ट्रिपलेट फॉर्म का यूज किसके लिए, सारी बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब कुछ यूज करने के लिए इसी का यूज करते हैं। तो चलो अब B2 के बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई,
तो हम सिंगलेट फॉर्म को अब रफ कर देते हैं। आप सिर्फ हमारे लिए किस काम की है, ट्रिपलेट फॉर्म काम की है। चलिए देखिए ट्रिपलेट फॉर्म में क्या होता है। तो ट्रिपलेट फॉर्म का ही देखना है, तो ये 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 एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, इसको क्या बोलते हैं, पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई। ठीक है, इस फॉर्म आएगी। बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू तुम निकालोगे तो हाफ टू माइनस के जीरो इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन। अब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आया, क्वेश्चन ये आया कि जो हमारा बोरोन और बोरोन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर वन है, तो ये वन बॉन्ड जो फॉर्मेशन हुआ है ये सिग्मा है कि पाई है। ध्यान से सुन लो, ये सिग्मा है, पाई है, या हाफ पाई प्लस के हाफ पाई है। तो आधों का तो दिमाग यहीं खराब हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ए कि जो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है ये प्योर सिग्मा है, या वो पाई बॉन्ड है, या वो हाफ पाई प्लस के हाफ पाई है, या डी बी और सी दोनों करेक्ट है। बताइए बी और सी बोथ करेक्ट, बोलो। तो जिन बच्चों का आंसर था सिग्मा वो भी गलत, जिन बच्चों का आंसर था पाई वो भी गलत, जिन बच्चों का आंसर था डी वो भी गलत। करेक्ट आंसर क्या है, सी। अगर हम टोटल करके लिखे वन को, देखो सिंपल सा होता क्या है, हमारे पता है कि ये पी एक्स ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करती है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो हाफ पाई बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक तरफ से क्या बनेगा हाफ पाई बॉन्ड, और एक हाफ पाई बॉन्ड यहाँ से बनेगा। तो हमारा जो बी टू मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो हाफ पाई प्लस के हाफ पाई होता है, और हम इसको ऐड करके क्या लिख देते हैं, इक्वल टू वन पाई। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत बार आ चुका है कि जो बी टू मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और यहीं पे वीबीटी की थ्योरी क्या हो गई, फेल, क्योंकि वीबीटी ने क्या बोला था, वीबीटी ने बोला था जब कभी भी एक एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ही होगा, सबसे पहले क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ही होगा। लेकिन एमओटी ने इस चीज को गलत कर दिया, एमओटी ने उठा के बी टू का एग्जाम्पल उसके सामने रख दिया कि ले चुप कर अब, कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस मॉलिक्यूल के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, तो बच्चे इसको पता नहीं, समझ में नहीं आता उन्हें पाई बॉन्ड क्या होता है। तो हमारा जो पाई बॉन्ड होता है बी टू मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और वो बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमारा हाफ पाई प्लस के हाफ पाई वर्सेस वन पाई के बीच में क्या रिलेशन है, भाई कुछ तो रिलेशन होगा। भाई देखो दोनों को जोड़ के बन तो वन पाई रहा है। अगर सिंपल सा कोई तुमसे पूछे कि जो एक बॉन्ड प्रेजेंट है इसको तुम दोनों तरीके से बोल सकते हो, हाफ पाई प्लस के हाफ पाई, अगर ऑप्शन में हाफ पाई प्लस के हाफ पाई है तो तुम वही लगाओगे हाफ पाई प्लस के हाफ पाई, अगर ऑप्शन में वन पाई है तो फिर तुम वन पाई टिक करोगे। एम आई क्लियर? अब मैं तुम्हें डिफरेंस बता रहा हूं कि हाफ पाई और प्लस हाफ पाई वर्सेस वन पाई में क्या डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब तुम वन पाई की बात करते हो तो वन पाई में क्या होता है, इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग करेंगे नहीं करेंगे, तो ये तुम्हारा ओवरलैपिंग इस तरीके से होती है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और तुम्हारा क्या बन जाता है, कंप्लीट पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। देख रहे हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन हाफ पाई में कुछ अलग ही केस चलता है। क्या चलता है उसमें, इस तरीके का केस चलता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो पी एक्स और पी एक्स के बीच में ओवरलैपिंग से होता है, और दूसरा जो हमारा हाफ पाई बनता है, ओहो पेन नहीं है आज, और दूसरा जो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो इस तरीके से होता है। देख रहे हो, बिल्लू से दिख रहा होगा ना, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो इसमें होता है, मतलब
कि जो हमारा हाफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसमें 2px आपस में ओवरलैप करती है एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये 2py और ये 2py आपस में ओवरलैप करती है दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, इसलिए ये कंप्लीट क्या बनाती है, हाफ पाई प्लस के हाफ पाई बनाती है। तो जरूरी नहीं है कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए हमेशा पीपी की साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, इसमें दो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। क्या हो रही है इसमें, दो साइड वाइज ओवरलैपिंग होने से, दो साइड वाइज ओवरलैपिंग होने से एक पाई बन रहा है, और इसमें एक बार साइड वाइज ओवरलैपिंग होने से वन पाई बन रहा है। बोलो, अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमारा जो वन पाई हाफ पाई होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है वन पाई से। हालांकि इतनी चीज़ें नहीं पूछेगा, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, लिख लेना इस बात को भी, हाफ पाई ज़्यादा स्टेबल होता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखा। अरे क्वेश्चन जानते हो कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो B2 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप का होता है। देखो क्वेश्चन फॉर्म में बता देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लिया ना, सारा करते रहे ना एक एक चीज, क्योंकि एक एक चीज इंपॉर्टेंट है MOT में। देखो क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन B2 मॉलिक्यूल। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग प्रेजेंट, पी से प्रेजेंट ही होता है, प्रेजेंट इन B2 मॉलिक्यूल। देखो ऑप्शन नंबर ए देगा, क्या देगा, इस तरीके से देगा, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, बना के भी देगा तुम्हें भाई साहब, बना के भी देगा वो इस तरीके से। बी ऑप्शन क्या करके देगा, ठीक है, सी ऑप्शन क्या करके देगा, सी ऑप्शन ऐसे करके देगा, डी ऑप्शन कैसे करके देगा, लो बताओ विच वन इज करेक्ट, विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग प्रेजेंट इन B2 मॉलिक्यूल, बताइए कौन सी ओवरलैपिंग प्रेजेंट होगी। तो जिन बच्चों को दिखता है ना ये ऐसे बॉन्ड बना के देगा वो तुम्हें BB के बीच में, और तुम एक सेकंड नहीं लगाओगे, तुम्हें दिखेगा ये सिग्मा बॉन्ड है, तो तुम डायरेक्ट देखोगे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इनमें, तो इसका तो गंदी सी देख के ना तुम इसे वैसे ही छोड़ दोगे, तुम्हारी पता है मुझे आदत, ये देखिएगा रेना इतने इतने इतना ज्यादा ड्रामा नहीं होगा इसमें, एक ही तो बॉन्ड है तो तुम इसे तो छोड़ ही दोगे, और इनमें से या तो ये टिक करके आ जाओगे या ये टिक करके आ जाओगे, क्योंकि पाई इससे तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, पाई तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा, सिग्मा ही दिख रहा है। फिर तुम थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे, पीपी के बीच में हो रहा है तो मतलब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा पीपी ओवरलैपिंग से, खत्म बात, और तुम घर आके आंसर गलत मिलेगा। तो एक्चुअल में इसका आंसर कौन सा होगा, सी, जो कि बहुत गंदा सा दिख रहा था ये वाला। तो ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आएगा, आ भी चुका है, अब तक पूछा था बीबी के बीच में बॉन्ड, अब तुमसे क्या पूछेगा कि कौन सी ओवरलैपिंग सही है, तो इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाएंगे, बताओ कर लोगे। तो सिंपल है, टू पी पाई ओवरलैपिंग कर लोगे, तो ये हाफ पाई वर्सेस वन पाई के बीच में रिलेशन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि ट्रिपलेट फॉर्म हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर वो सब तुम्हें घर से करने हैं, खुद से मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लो, अगर तुम्हारे पास क्या हो B2, तुम्हारे पास क्या हो B2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो B2 नेगेटिव, चलिए बताइए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें हाफ पाई प्लस के क्या होता है, हाफ पाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वन पाई। तो तुम्हें मैंने डिफरेंस बता दिया है वन पाई के बीच में, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, हाफ पाई प्रेजेंट ही होगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0.5 पाई। ऐसे ही B2 नेगेटिव में, तो B2 नेगेटिव में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ पे ही आएगा, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, देखिए 3, तो इसके लिए 1 प्लस के
हाफ पाई, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1.5 पाई। ठीक है, ऐसे ही अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ क्या B2 नेगेटिव कर दूँ और यहाँ पे B2 पॉजिटिव कर दूँ, B2 पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन भी गायब हो जाएगा, तो खाली हो गया, तो B2 पॉजिटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, क्या है डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन ये एग्जिस्ट करेगा B2 नेगेटिव, लो आ गया, तो B2 नेगेटिव में क्या हो जाएगा फिर 2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, लो 2 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। लो अगर तुमसे पूछने लगे कि B2 नेगेटिव में, तो 2 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएंगे। बताओ इससे ज़्यादा इजी कुछ मिलेगा तुम्हें? बस अब इनका बॉन्ड और लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर सब अरेंज कर लेना है, और मैं इतना नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये B2 की कहानी थी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम C2 मॉलिक्यूल का बनाओ। क्या होगा C2 मॉलिक्यूल का MOT डायग्राम? चलिए बनाइए MOT डायग्राम फॉर C2 मॉलिक्यूल।